गौतम गंभीर वैसे तो 1% भी दिल नहीं करता है कि इनके बारे में कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल कहूं। हाँ ये सच है कि कई बार उनकी जुबान कुछ ऐसा बोल देती है कि जो बात थोड़ा सा सुनने में दुख देती है। हाँ ये सच है कि कुछ बार तो उनके बोले गए शब्दों के पीछे तर्क और लॉजिक कम और हेट ज्यादा नजर आता है, पर यह भी सच है कि उनके द्वारा कही गई ये बातें उनके पहले के करे गए कामों को छोटा नहीं कर देती है। हाँ गौतम गंभीर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर्स में से एक थे। हाँ गौतम गंभीर ने इंडिया के लिए वो सब कुछ किया जो उनसे मुश्किल वक्तों पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हाँ 2007 और 2011 वर्ल्ड कप में अगर गौतम गंभीर की वो पारियां नहीं आती तो शायद वो वर्ल्ड कप का सपना भी टूट सकता था, लेकिन स्टिल एक छोटी सी शिकायत मन में रह जाती है कि कभी कभी कुछ बातें बोलने से पहले थोड़ा सा विचार तो करना जरूरी होता है। माना कि गौतम गंभीर का नेचर ही ऐसा है, माना कि गौतम गंभीर जाने ही इस चीज के लिए जाते हैं कि उनके दिल में जो होता है उसे वो डायरेक्टली बोल देते हैं, और कई बार उनका ये नेचर इंडिया के लिए खेलते हुए काम भी आया है, पर वहीं पे इस नेचर पे कभी कभी काबू करना भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपका ये नेचर आपको आपके ही देश के प्लेयरों के बारे में कुछ बुरा बुलवा रहा है तो उस नेचर में पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है, और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि आपकी किसी एक नेगेटिविटी के चक्कर में आपके सारे पॉजिटिव कामों को लोग इग्नोर कर दें। बिकॉज दुनिया का बहुत ही सिंपल सा उसूल है कि लोग अच्छाई जल्दी भूलते हैं और बुराई लोगों को हमेशा याद रहती है। दुनिया का कोई भी इतिहास का पन्ना पलट के देख लें, सिर्फ जुबान से निकली या लोगों का दिल दुखाने वाली एक बात ने सामने वाले की पूरी इमेज ही खराब कर दी, फिर लोगों को असल में फर्क ही नहीं पड़ा कि इसने क्या क्या अच्छा किया था। गंभीर का अचानक से बीच बीच में इंडिया के बड़े प्लेयर्स को लेकर नेगेटिव स्टेटमेंट पास करना उन्हें उस रेखा के पास ले जाता रहता है जहां पे हम कतई नहीं चाहते कि वो पहुंचे। और देखो किसी प्लेयर की बुरी परफॉर्मेंस पे बुराई करने में कोई नुकसान नहीं है, सब करते हैं, मैं भी करता हूं, पर उस प्लेयर की लेगेसी पे दाग लगाना अच्छी बात नहीं है। आप किसी मैच में खेली गई एक पारी पे सवाल खड़े कर सकते हो, पर ये कहना कि ये प्लेयर बस अपने नाम पे टीम में है, इसकी जगह कोई और होता तो बाहर कर दिया जाता, ऐसे स्टेटमेंट अपनी खुद की टीम के प्लेयरों के लिए लोगों को गवारा नहीं होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें गलत ही क्या है, जो दिल में है कम से कम बोल तो रहा है बंदा, कम से कम फेक तो नहीं बन रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सचिन तेंदुलकर हो गए या राहुल द्रविड़ हो गए या ऐसे ही जो बड़े बड़े प्लेयर्स हो गए, इन्हें आज तक क्रिकेट में जब जब जो जो हुआ सब सही लगा होगा? क्या इन लोगों की कभी कोई शिकायतें नहीं रही होंगी? क्या इन्हें किसी प्लेयर के एक्शंस गलत नहीं लगे होंगे? 100% लगे होंगे, लेकिन ये उनकी मैच्योरिटी थी और है कि उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो अपने ही देश के प्लेयरों को इंसल्टिंग फील कराए। और आप सचिन द्रविड़ जैसे इन लोगों को फेक नहीं बल्कि समझदारों की सूची में रखना पसंद करेंगे। और देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गौतम गंभीर के भी मेजॉरिटी बयान जो होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, लेकिन मैं ये भी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उनके कई वैलिड पॉइंट्स के बीच कोई एक इनवैलिड पॉइंट आपके सारे वैलिड पॉइंट्स को भुला देता है। अब अभी हाल ही में हांगकांग के खिलाफ हुए मैच के बाद गौतम गंभीर का एक बयान आता है कि कोहली की जगह सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे खेलना चाहिए। चलो ये बयान भी दो पल के लिए मान लिया कि आपकी ये इच्छा है कि ऐसा हो, लेकिन इसके बाद उनका ये कहना कि सूर्या की मजबूरी है कि उन्हें चौथे नंबर पे खेलना पड़ रहा है, ये बयान असल में पूरी इंडियन टीम पे सवाल खड़ा करता है। ये बयान दुनिया को ये संदेश देता है कि इंडिया बस जानबूझ के सूर्या को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जबकि ये सच नहीं है। कोहली जितने अच्छे तीसरे नंबर के प्लेयर हैं उतना काम वो चौथे नंबर पे नहीं कर पाएंगे, और सूर्या जो काम चौथे नंबर पे कर सकते हैं वैसा वो तीसरे पे नहीं कर पाएंगे। चौथे नंबर पे आके सूर्या के पास जो कई मैचेस में लिबर्टी रहती है कि जाओ जाके सीधे प्रहार करो और थोड़ा सा बस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखो, ये आजादी कहीं ना कहीं सूर्या से चली जाएगी जब वो तीसरे नंबर पे आएंगे, जहां आपको रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होना पड़ेगा और हिटिंग को थोड़ा लिमिटेड रखना होगा। और जैसा मैंने कहा कि चलो गंभीर को सिंपली ये लगता ही है कि सूर्या नंबर 3 पे बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला है ही नहीं, सबका अपना अपना नजरिया है, पर मजबूरी है ये उनकी जैसे स्टेटमेंट लोगों के मन में वो फीलिंग को पैदा करते हैं जो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। अब इसके बाद भी जब विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ अपने फॉर्म वापसी की जबरदस्त घोषणा करी थी तो उसके बाद भी गंभीर ने ये बात अच्छी कही थी कि कोहली का ये शतक कोहली के लिए और उनकी टीम के लिए आना बहुत जरूरी था, लेकिन फिर से उसके ऊपर ये लाइन कह देना कि
कोहली की जगह कोई और प्लेयर होता और उसकी 3 साल तक अगर सेंचुरी नहीं आई होती तो अब तक वो टीम से निकाल दिया जाता। भले ही आपने कितना भी पॉजिटिव सोच के दिया हो पर इसका पर्सपेक्टिव आपको 2 सेकंड के अंदर कोहली के एक हेटर के रूप में लोगों के सामने रख देता है। और उससे भी जरूरी बात, क्या सच में सेंचुरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ उसके बेसिस पे प्लेयर अंदर बाहर करे जाएंगे? नहीं ना। माना कि कोहली का पिछला टाइम एक रफ पैच था लेकिन उसके बावजूद भी उनके स्टैट्स कई प्लेयरों से बेहतर थे। अब आप कोहली को पुराने कोहली से ही कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कमी नजर आएगी, लेकिन अगर आप कोहली को करंट प्लेयरों से कंपेयर करेंगे तो शायद आपको इतना अजीब नहीं लगता। सेंचुरी तो गंभीर भाई आपके भी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं आई थी ना, लेकिन स्टिल वो आपकी हिस्ट्री की बेस्ट पारियों में से एक थी। और शायद कई लोगों की ऐसी पारियां होंगी जिनमें उनकी सेंचुरी आई होंगी लेकिन स्टिल उसे कोई याद नहीं रखना चाहता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है खुद सचिन तेंदुलकर की सभी सेंचुरी, जिसमें सचिन को प्रेशर के चलते इतनी बॉल्स लेनी पड़ी कि वो पारी जो असल में हिस्टोरिक बननी थी वो बस हार का कारण बन के रह गई। और गंभीर जहां पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं, जब से कोहली की सेंचुरी नहीं आई तो मैं बता दूं कि ओडीआई क्रिकेट में 2019 में कोहली की रैंकिंग नंबर 1 थी, 2020 में नंबर 1 थी, 2021 में नंबर 2 थी और 2022 में नंबर 3 थी। मतलब अगर हम किसी भी साल में कोहली को टीम से निकाल रहे होते तो 2019 में हम वर्ल्ड के रैंक नंबर 1 को टीम से निकाल रहे होते, 2020 में भी हम वर्ल्ड नंबर 1 को टीम से निकाल रहे होते, 2021 में हम वर्ल्ड नंबर 2 को टीम से निकाल रहे होते और 2022 में हम वर्ल्ड नंबर 3 को टीम से निकाल रहे होते। चलो नहीं बनाई सेंचुरी कोहली ने, पर रन बनाए हैं तब ना 4 साल तक टॉप 3 रैंकिंग से नीचे नहीं गए वो। और बात रही T20 की, तो जहां गंभीर ने कोहली से नंबर 3 से हटने को कहा तो मैं बता दूं कि सितंबर 2019 से अभी तक T20 में कोहली ने जितने भी मैच खेले हैं उसमें उनकी एवरेज इंडियन टीम में सबसे अच्छी रही। कोहली ने इन 3-4 सालों में जिन सालों का जिक्र गंभीर ने किया उसमें कोहली ने 51 की एवरेज से और 145 की स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, जबकि ये स्टैट्स तो इस एशिया कप से पहले के हैं। बेस्ट फेस तो मैंने इसमें गिना ही नहीं। देखो मैं मान लेता हूं कि हो सकता है कि गंभीर के कोहली से या किसी और प्लेयर से भी किसी तरीके के डिफरेंसेस होंगे या वो किसी को पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है, होता है। इवन करंट इंडियन टीम में भी हर कोई सबके बारे में पॉजिटिव राय नहीं रखता होगा, ये तो हर जगह की कहानी है। जब आप स्कूल में भी थे तो आपकी क्लास में हर बच्चे को पसंद नहीं करते थे ना, कोई आपको सही लगता था कोई नहीं लगता था, किसी की बातें सही लगती थी किसी की नहीं लगती थी, लेकिन आप इस बात का जिक्र पब्लिकली थोड़ी करते थे या ऐसा कुछ थोड़ी कहते थे जिससे हर किसी को यह मैसेज जाए कि तुम्हें फला बंदा ठीक नहीं लगता। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी प्लेयर को किसी के कंपैरिजन में छोटा या बड़ा दिखाना था ही नहीं, मैंने बस जितना भी पॉसिबल था उतना रिस्पेक्टफुल होके गंभीर के बातों का जवाब देने की यहां कोशिश करी है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको गंभीर के इन दोनों ही बयानों पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी पे फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाएं जाके फॉलो करें। कोई भी मन में सवाल हो जाके डीएम करें, तो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।